तो दोस्तों, अगर आप Redmi का मोबाइल यूज़ करते हैं और Redmi के मोबाइल में अगर आपका कोई भी फ़ोटो डिलीट हो गया है, चाहे वो गैलरी का फ़ोटो हो, प्राइवेट एल्बम का फ़ोटो हो या फाइल मैनेजर का फ़ोटो हो, साथ में अगर आप वीडियो भी डिलीट कर देते हैं और पुराना से पुराना फ़ोटो या वीडियो को रिकवर करके निकालना चाहते हैं, 1 साल 2 साल पुराना अगर आपको फ़ोटो चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस टिप्स को फॉलो करने के बाद दोस्तों, मेरे गैलरी में सिर्फ 17 फोटो वीडियो था, पर जैसे मैंने इस टिप्स को फॉलो किया तो 3000 से ऊपर मैंने यहाँ पर फोटो वीडियो को रिकवर किया है। तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डिलीट फोटो को वापस लाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं, और सेकंड जो मैं आपको तरीका बताने वाला, इसको जरूर यूज़ कीजिएगा, इससे आपका जितना भी डिलीट फोटो है वो वापस आ जाएगा, साथ में वीडियो भी वापस ला सकते हैं। चलिए पहले सेटिंग के बारे में बात करें। तो जैसे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर ऑल फोटो देखें तो आपको यहाँ पर 16 फोटो दिखने को मिल रहा है, जिसमें कैमरे में 12 है, बाकी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, 2 यहां पे वीडियो दिख रहा है, बाकी यहां पे आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप गैलरी में कोई भी फोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये फोटो वीडियो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, और इस फोटो या वीडियो को अगर जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में डिलीट वाला ऑप्शन मिलेगा, डिलीट पे क्लिक करते हैं, तो डिलीट पे क्लिक करने के बाद गैलरी के जितने भी फोटो वीडियो होते हैं वो यहाँ पे डिलीट हो जाते हैं। पर होता क्या है कि ये जो फोटो वीडियो आप यहाँ पे डिलीट करते हैं, ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, ये आपके ट्रैश बिन में जाके सेव हो जाता है। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फोटो वीडियो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे ट्रैश बिन में जाइएगा तो जो भी फोटो या वीडियो को आपने यहाँ पे डिलीट किया है वो आपको यहाँ पे ट्रैश बिन में देखने को मिल जाएगा, और उसको अगर आपको रिकवर करना है तो सिंपली सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद रिस्टोर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद ट्रैश बिन का जितना भी डिलीट फोटो होता है वो आपको यहाँ पे गैलरी में वापस फिर से कैमरे वाले फोल्डर में, ये जो भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे जो भी फोटो वीडियो है अगर यहाँ पे डिलीट कर लिया है, और डिलीट करने के बाद ट्रैश बिन से भी अगर डिलीट कर लेते हैं, देन आप कैसे रिकवर कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है, और ये डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी फोटो वीडियो है आपको यहाँ पे ट्रैश बिन में देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रैश बिन में भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सभी फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। आप भी यही काम करते होंगे। अब आपको कोई भी इमरजेंसी कोई फोटो वीडियो को वापस लाना है, आप चाहते कि वापस लेके आना चाहते हैं, कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपके प्राइवेट एल्बम में कोई फोटो वीडियो था और वो फोटो वीडियो भी अगर आपका यहाँ पे डिलीट हो गया, उसको भी अगर रिकवर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितने भी पुराने फोटो वीडियो को रिकवर करने के लिए दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम आपको यहां पे दिख रहा होगा, डिस्क डिगर। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने वाला इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, ऊपर में आपको लॉस्ट फोटो और सेकंड में आपको लॉस्ट वीडियो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको फोटो रिकवर करना है या वीडियो रिकवर करना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको अपने मोबाइल का मोबाइल डाटा वाईफाई को ऑन करके रखना है, और यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा आपके जितने भी डिलीट फोटो वीडियो को रिकवर होने में। अभी मैंने यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जितने भी फोटो है वो फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकवर हो रहा है, और रिकवर होने के बाद आप देख सकते हैं टोटल फोटो यहाँ पे दिख रहा है 3260 रिकवर, मेरा जो फोटो था वो रिकवर हो चुका है। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक करने में जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो जो भी फोटो वीडियो आपने यहाँ पे डिलीट किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे फोटो वापस आ चुका है, जो मेरे गैलरी एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिल रहा था। मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, इस प्रकार से ये फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिस्टोर अगर करना है तो सिंपली क्या करना है, जो भी फोटो है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 से 5 फोटो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको रिकवर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, फोल्डर में सेव करके रखना है, तो सेकंड में जो फोल्डर आपको देखने को मिला उस फोल्डर पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको अपने गैलरी के फोल्डर में या फाइल मैनेजर के फोल्डर में जहां पे सेव करके रखना है वो आप यहां पे फोल्डर चूज कर लें, देन यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है, देन आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। और अलाउ पे क्लिक करने बाद कुछ देर में आप यहां पे देखिएगा जो भी फ़ोटो आपने यहां पे सिलेक्ट किया था और रिकवर में डाला था वो फ़ोटो आपको यहां पे गैलरी में देखने को मिल जाएगा। चलिए वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पे गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में जाने के बाद देख सकते हैं कैमरे के फोल्डर में डाला था और ये फ़ोटो यहाँ पर वापस आ चुका है और काफ़ी पुराना ये फ़ोटो है, मैंने यहाँ पर रिकवर कर लिया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर वीडियो को भी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।